तो प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं इसका साइज़ के बारे में। देखिए इसमें क्या दिया कि फाइंड द जीरोज आप फॉलोइंग क्वाड इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। तो हमें ये पूछ रहा है भैया कि हमने जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारा जो सम ऑफ द रूट क्या था माइनस बी वाई होता है, तो भैया इसे हमें निकालना भी है और इसे प्रूव भी करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रूव, बहुत आसान है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट दिया है। तो अच्छा इसका बताइए क्या होता है सम ऑफ द रूट, यानी मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं कौन कौन अल्फा और बीटा है, तो मतलब सम ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी वाई होता है। तो बी क्या है हमारा कोफिशियंट कितना है एक्स का, तो यहाँ एक्स का कोफिशियंट आपका माइनस टू है और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस टू यहाँ से और ए की वैल्यू बेसिकली वन है, तो ये हमारा सम ऑफ द रूट क्या आ गया आपका बेसिकली टू आ गया। उसी प्रकार आप प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग एक बार, सी वाई होता है हाँ, तो यहाँ बताइए सी क्या है, सी बेसिकली आपका माइनस एट है, ए की वैल्यू कितना है वन है। देखिए हमने सम ऑफ द रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, अब देखिए हमें वेरीफाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे वेरीफाई, बस बहुत आसान मैंने बताया था ना, इसको फैक्टराइज करके करेंगे। चलिए इसको फैक्टराइज करके अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, यही शायद होगा इसका फैक्टर जब हम इसको जीरो को इक्वल कर देंगे। ठीक बच्चों फैक्टराइज इसी तरह करते हैं, तो यहाँ से आएगी एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस टू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है बिल्कुल आ रही है। तो भैया यहाँ से जब जीरो रखेंगे तो हमारी एक्स के दो जीरोज आएंगे, कौन कौन जीरो आएंगे, टू आएगा और बेसिकली फोर आएगा, सॉरी माइनस टू और फोर हमारा आ गया जीरोज। तो अच्छा बताइए दोनों हमारे जीरोज हैं, इन दोनों का सम जोड़िए फोर और माइनस टू स्क्वायर टू टू आ रहा है, देखिए बिल्कुल सही बात है, सही आ गया कि नहीं। और इसका प्रोडक्ट करेंगे फोर इंटू माइनस टू, तो भैया माइनस एट आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, इसकी भी वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या देखा भैया, चाहे आप फैक्टराइज करके निकालें चाहे आप डायरेक्ट फार्मूले से निकालें, दोनों बात क्या है, दोनों बात बेसिकली सेम है, इसी बात पर हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और करवाता हूँ, बताइए देखिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, इसमें क्या दिया है। ठीक बच्चों फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस माइनस वन दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहला काम हम सम ऑफ द रूट होता अल्फा इंटू बीटा, अगर हमारे दो रूट हैं सॉरी जीरोज हैं या अब रूट्स का ये बात सेम ही है, तो भैया क्या हो जाएगा माइनस बी वाई होगा। माइनस बी क्या है, माइनस बी मतलब कि कोफिशियंट आप यस ठीक है, यस रहे चाहे एक्स रहे उससे हमें मतलब नहीं है। तो भैया माइनस तो हमारा पहले से है, माइनस फोर यहाँ से और यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू बेसिकली फोर है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गई वन आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा सी बाई होगा, सी क्या है आपका माइनस वन है, ए क्या है बताइए आप लोग, ए आपका फोर है, वन बाई फोर आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग इसका फैक्टराइज करके वेरीफाई करिएगा। देखिए वेरीफाई तो हम लोग कर ही लेंगे, क्यों क्योंकि देखिए मैंने फैक्टराइज का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिया, अगर देखिए थोड़ा सा आप लोग इफर्ट करिएगा इसके लिए। ठीक है बच्चों एक तरीके से देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी जो थर्ड है और फोर्थ है और फिर तैयार अपनेस करिएगा, लास्ट में बता रहा हूँ, फिर भी किसी बच्चों को डाउट हो तो एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखिए उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भैया चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि थ्री एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस फोर है, तो इसका सम ऑफ द रूट बताइए अल्फा प्लस बीटा हमने कंसीडर किया क्या होगा माइनस बी वाई ए, तो बी क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन ए क्या है थ्री है, यहाँ से हमने निकाल लिया। इसी प्रकार कह रहे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका सी बाई ए होता था, यानी फोर बाई थ्री हो जाएगा, यह आपका क्या आ गया सम और प्रोडक्ट हमारा आ गया। ठीक प्यारे बच्चों तो अब देखिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो इसी पर हमारी पूरी एक्सरसाइज भी है। तो बाकी अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है।